हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। घर के अंदर जो चैलेंजर्स है वो एंटर कर चुके हैं, लेकिन चैलेंजर्स क्या, घर के अंदर जो हम कह रहे थे कि बेघर जो हो चुके हैं लोग, बेघर जो हो चुके हैं कंटेस्टेंट, उनमें से भी हम कह सकते हैं निकी एंटर हो चुकी है, अली गोनी घर के अंदर एंटर हो चुके हैं और चैलेंजर में से राखी सावंत एंटर हो चुकी है। लेकिन राहुल वैद्य का कोई नाम ही नहीं चल रहा, पता कि नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अब जो बड़ी न्यूज़ सामने आई है वो राहुल वैद्य को लेकर के ही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ट्विटर पे न्यूज़ उड़नी शुरू हो चुकी है, और न्यूज़ छोटी मोटी नहीं है, न्यूज़ काफ़ी बड़ी है। जी दोस्तों, घर के अंदर अभी चैलेंजर्स ने कहीं ना कहीं घर संभाला हुआ है, कॉमेडी भी चल रही है, लड़ाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन राहुल वैद्य की कहीं ना कहीं जो कमी खल रही थी राहुल वैद्य के फैंस को कि वो बिग बॉस में नहीं है, नहीं है, नहीं है, मुझे लगता है अब वो कमी जो है कम होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि हो सकता है आपको वीकेंड के वॉर पे, जी हाँ दोस्तों, राहुल वैद्य विल एंटर ऑन मंडेज एपिसोड, यानी कि मंडे के एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे। ही विल आल्सो बी सीन इन वीकेंड का वॉर, 100% कंफर्म। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 100% कंफर्म ट्विटर में न्यूज़ उड़नी शुरू हो चुकी है। अब यह न्यूज़ कितनी सच्ची है, कितना इसमें ट्रूथ है, वो देखना बाकी है। लेकिन हाँ, अगर राहुल वैद्य की एंट्री होती है, और मैं यही आपको पहले भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि फ्राइडे तक एंटर हो पाएंगे अली गोनी के साथ और निकी तंबोली के साथ, क्योंकि उन्हें जो ऑफर दिया गया है कहीं ना कहीं वो उससे भी सहमत नहीं है, उस पर वो विचार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब जो ये न्यूज़ आ रही है, आपको क्या कहना है, क्या वीकेंड के वॉर पे मास्टरमाइंड को टक्कर देने आ रहे हैं राहुल वैद्य या नहीं? सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।